लोकवाणी आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। लोकवाणी की आठवीं कड़ी के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आकाशवाणी के रायपुर स्टूडियो में पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू सुनिए मल्ला, जय जोहार, नमस्कार। आज के दिन पूरा संसार महिला दिवस मनावत है। 8 मार्च ल संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करे है। ते पाए के आज मैं जम्मू नोनी मल्ला, दीदी बहनी मल्ला, मतारी मल्ला जोहार करत हूँ, प्रणाम करत हूँ, सबो मल्ला बधाई देवत हूँ। बच्चर में एक दिन महिला दिवस मनाए के ये मतलब नो है कि हमल महिला मन के संसो सिर्फ एक दिन करे बर है। ये दिन के मतलब है जम्मू संसोला सकेल के आत्मचिंतन करना और नवा रद्दा नवा सुविधा बर विचार करना है। ये अवसर नवा सोच विचार के घलो है। आज 21वीं शताब्दी में महिलाओं को बराबरी के अवसर पाने के लिए कहीं न कहीं संघर्ष करना पड़ता है। महिलाओं को आधी दुनिया माना जाता है, जो उनकी अहमियत बताता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस संबंध में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, मातृशक्ति के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भय हारणी भव तारणी भव भावनी जय जय। मातृशक्ति की जयकारा हमारे धर्म, आध्यात्म, परंपरा, संस्कार, लोक जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो देवी को अपने हर स्वरूप में माँ माना जाता है। दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ में माँ बम्बलेश्वरी, रतनपुर में माँ महामाया, चंद्रपुर में माँ चंद्रहासिनी के शक्तिपीठ और हर गांव, हर शहर में कोई न कोई लोक आस्था का केंद्र है, जिसके बारे में व्यापक मान्यता है कि वहां विराजी देवी माँ हमारी रक्षा करती है, पालन करती है, जिनके आशीर्वाद से हम तरक्की करते हैं। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में स्त्री पुरुष अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और इसमें सुधार भी हो रहा है। रायगढ़ एवं बीजापुर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आदिवासी अंचलों में तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जो देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। हमारे यहाँ बहुत से समाजों में मातृसत्ता की प्रधानता है, लेकिन इन सबके बावजूद महिला और पुरुषों में बराबरी का सवाल सामयिक है। इस स्थिति को लेकर बहुत से कवि, लेखक, साहित्यकारों ने बहुत कुछ लिखा पढ़ा है। सुशीला टांग भौरे की एक कविता के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ, चक्की में पीसते अन्न की तरह नहीं, उगते अंकुर की तरह जियो, धरती और आकाश सबका है, हवा और प्रकाश सबका है, सब पर अपना हक जताओ, अपनी नई पहचान बनाओ, अपनी नई पहचान बनाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 21वीं सदी में भी महिलाओं के आगे बढ़ने के रास्ते में क्या बाधाएं हैं और उनका समाधान कैसे होगा? बाधाएं या तो ऐतिहासिक, परंपरागत, सामाजिक, भौगोलिक कारणों से है अथवा मनोवृत्ति के वजह से है। आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था और यह साबित कर दिया था कि उन्हें बराबरी का पूरा हक है। जो ऐतिहासिक और परंपरागत कारण रहे हैं, उसका समाधान भारत के आजादी और संविधान निर्माण के साथ हो गया था। लेकिन हम जानते हैं मनोवृत्ति बदलने के लिए सामाजिक जागरण की जरूरत पड़ती है। विगत 7 दशकों का इतिहास गवाह है, हमने महिलाओं को अधिकार देकर ही बहुत बड़े अंतर को पाट दिया है, लेकिन कई स्थानों पर ऐसे समूह कार्यरत हैं जिनकी सोच प्रतिगामी है और जो महिलाओं को
समानता का अधिकार देने के उदार विचारों के खिलाफ खड़े होते हैं। इसलिए महिलाओं का संघर्ष लंबा हो जाता है। शासन की सोच और पहल यदि महिलाओं के पक्ष में मजबूती से हो तो चीजें तेजी से बदलती है। विगत सवा साल से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और हमने यह प्रयास किया है कि महिलाओं के सम्मान को मजबूत अधिकार देकर ही मजबूत किया जा सकता है। हमने महिला सम्मान को उनके अधिकारों और स्वावलंबन से जोड़ने की रणनीति अपनाई है। मुझे यह कहते हुए बहुत संतोष होता है कि हमने जहां जहां महिलाओं को सुविधाएं दी है वहां उन्होंने आगे बढ़कर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाई है और सफलता की नई नई कहानियां लिख रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी रणनीति की सफलता की कहानी हितग्राहियों की जुबानी ही सुन लेते हैं। मैं गायत्री पूर्वा जिला सूरजपुर से बोल रही हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपने 9 नवंबर को सिलसिले में हमारे जिले के सभी 6 विकास खंड के ट्राइबल मार्ट दुकान का उद्घाटन किया था, जिससे हम लोगों को बराबरी का अवसर मिला और 1481 परिवार को रोजगार मिलने से जीने की नई आस जगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अभी तक हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का सामान छात्रावासों में और खुले बाजार में बेच लिया है। हम सब महिला स्वयं सहायता समूह के लोग बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि हम लोगों का दुकान देखने जरूर आइएगा। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशबू है और वर्तमान में मैं ये भवानी महिला ग्राम संगठन समूह एक चलता जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मैं जिस समाज और गांव में रहती हूँ वहाँ महिलाओं के घर घर में 4 दीवारों के अंदर रहकर चूल्हा चौका पति की सेवा बाल बच्चों का सेवा करने वाले को ही पसंद किया जाता था। जो काम पुरुष करते हैं उन कामों में महिलाओं को किसी भी स्थिति में नहीं लाया जाता था। जिसके पीछे कारण से किया था कि क्या तुम्हारे घर में कोई पुरुष कमाने वाला नहीं है? जिसके परिवार आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा था, आर्थिक तंगी के बीच जीवन गुजर बेहतर हो रहा था। इसी समय हमारे ग्राम कृषि नगर में गौठान का निर्माण किया गया है, जिसमें महिलाओं के समूह के माध्यम से गौठान में जोड़ने छत्तीसगढ़ सरकार तथा जिले के कलेक्टर संभव मदद दिया गया है, जिसमे महिलाओं सीधा कलेक्टर शहर से जुड़कर सीमेंट पोल टेलीफेंसिंग तार का निर्माण कर रही है। मशीन पाकर बड़े बड़े के साथ काम को अपने हाथों में लिए सब आत्मवासी एवं ग्रामवासी कहते थे, पुरुष मन कर काम ला, महिला मन कैसे करी। हम लोग हिम्मत नहीं हारे, अपने काम को शुरुआत कर लोगों ने 15 दिन में ही सामान बनाकर बेचा, जिसमें हमें अपने लागत एवं मुनाफा भी अच्छा मिला और हमारा सामान भी आसानी से गौठान में बिक गया। लगातार कलेक्टर सर हम लोगों के उत्साह के बीच बात करते रहे और हर संभव मदद दिलाते रहे। सभी केशव नगर गौठान में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और कलेक्टर सर जी ने हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाया, जिससे हमारे यहाँ कार्य को काफी सराहना किए, जिससे हमारी महिलाओं को आत्मसंबल प्राप्त और हुआ। तब हम लोगों को लगने लगा कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी क्यों नहीं कर सकती। अब हम जिला प्रशासन के सहयोग से आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो गए हैं, जिसके कारण समाज परिवार गांव में हमारा आत्मसम्मान बढ़ा है। साथ ही आर्थिक स्थिति ठीक होने से लगता है कि महिलाओं को पुरुषों के काम में बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारा संगठन जो बना हुआ है महिलाओं का, ये आज तो 1 साल हो जा रहा है, जिसमें हमने आज तक में जितने भी कैंप सेंसिंग व पोल का कार्य किया है उसमें हमने 81,68,970 रुपए की बिक्री कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी। खुशबू जी, आपको बता दूं कि सूरजपुर में आप लोगों ने जो उपलब्धि हासिल की है उसका लाभ पूरे राज्य को दिलाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। हमने अन्य जिलों में भी यह व्यवस्था करने को कहा है कि स्थानीय स्तर पर महिला स्व सहायता समूह, जो चाहे गौठान से जुड़े हों या किसी अन्य कार्य से, उनके द्वारा निर्मित सामग्री के विपणन के लिए जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। सरकार के विभिन्न संस्थाओं, स्कूल, छात्रावास या अन्य शासकीय विभाग में जरूरत के अनुसार खरीदी में ऐसे समूहों को पूरी प्राथमिकता मिलेगी। एक दुकान सबो समान कि नवाचार से ग्रामीण महिलाओं को समृद्धि और खुशहाली का नया रास्ता मिला है।
सूरजपुर का एक उदाहरण है। मैं पूरे प्रदेश में कार्यरत हजारों महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी लाखों महिलाओं को सैल्यूट करता हूँ। बहनों, आप लोगों ने साबित कर दिया है कि आप सचमुच शक्ति स्वरूपा हो। घर की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आप लोगों ने डेहरी के बाहर कदम रखा है, गांव घर परिवार को समृद्ध खुशहाल बनाया है, कारोबार के साथ समाज सुधार तक में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आज मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि हम सब छत्तीसगढ़ की नारी के आभारी हैं। आप लोगों ने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की अलग जगह दी है। आप सबका वंदन और अभिनंदन है। आपके साहस, मौलिकता, नवाचारों का अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को लेकर जो नई पहल की है, उसका व्यापक असर प्रदेश के हर अंचल में हुआ है। आइए सुनते हैं कुछ विचार। मेरा नाम कुमारी नीता ठाकुर है। मैं ग्राम गुरिया नारायणपुर से बोल रही हूँ। मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। आपके द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को सुपोषित करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया है, जिससे मेरे आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाली महिलाओं एवं बच्चे सुपोषित हो रहे हैं। आने वाले महिलाएं एवं बच्चे आपका आभार करते हैं सर। अंडा देने के जो निर्णय से यहाँ की महिला एवं बच्चे खुश हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शोभना नायर बोल रही हूँ, बचूपारा नारायणपुर से बात कर रही हूँ सर। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सुपोषण अभियान जो चलाया जा रहा है वो प्रदेश भर के लिए सराहनीय है, परंतु इसमें बहुत सारी समस्या है सर। हम लोग कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा काम हो गया, साथ में सहायिकाओं का भी काम हो गया सर। तो कष्ट करें कि हम लोग उनको इतना एक अतिरिक्त सहायिका देने को कष्ट करेंगे सर। मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन है कि हम लोग सुपोषण अभियान को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमको एक सहायता की और आवश्यकता है। नारी का जीवन अपने परिवार की सारी आवश्यकताओं के लिए समर्पित रहता है। नारी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, क्योंकि वही परिवार के लिए भोजन और पोषण का इंतजाम करती है। हमने महसूस किया है, यदि माँ कुपोषित एनीमिया की शिकार रहेगी तो उनके शिशु की सेहत कैसे अच्छी रहेगी, और इस तरह तो पूरी पीढ़ी जन्मजात कमजोर होती जाएगी। इसलिए हमने कुपोषण को सबसे बड़ी हिंसा, नक्सलवादी और आतंकवादी हमले से ज्यादा नुकसानदायक माना है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान वास्तव में माँ और नवजात शिशु के बेहतर जीवन की शुरुआत के लिए है। मुझे खुशी है, हमारी बहनों ने बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ इस अभियान के मर्म को समझा है। 2 अक्टूबर 2019 अर्थात गांधी जयंती के दिन से प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को तथा 15 से 49 वर्ष तक के महिलाओं को खून की कमी और कुपोषण की समस्या से उबारने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 5.5 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार गर्म भोजन दिया जा रहा है। इसके अलावा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, महतारी जतन योजना, पोषण आहार योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इस तरह 30 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न पोषण योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें गर्भवती भी है, शिशुवती भी है तथा अन्य आवश्यकताओं वाली बहनें भी हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों, महिला स्व सहायता समूहों से लेकर जनभागीदारी तक का सहयोग इस अभियान में मिल रहा है। सुपोषण अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसके कारण कुपोषण की दर में कमी की खबरें आना भी शुरू हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकवाणी में हमने देखा है कि बहुत सारी बहनें जो शिक्षा कर्मी हैं, वे अपने नियमितीकरण की मांग करती हैं। इसी प्रकार रोजगार के अवसरों के प्रति बहनों का रुझान बहुत सकारात्मक है। आइए सुनते हैं एक विचार। जी, मेरा नाम सुप्रिया शर्मा है। मैं ग्राम धमनी जिला बिलासपुर से बोल रही हूँ। स्नातक स्नातकोत्तर जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं जिन्होंने पास किए हैं अभी, उनके रोजगार के लिए क्या प्रयास किए हैं और उनके आगे की क्या योजनाएं हैं? महिलाएं हैं जिन्होंने अभी लड़कियां पास किए हैं, उनके स्वावलंबन के लिए, उनके रोजगार देने के लिए उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? जो किए हैं क्या वो काफी हैं और उनके आगे के क्या प्लान हैं?
आपने शिक्षाकर्मी बहनों की समस्या का जिक्र किया तो आपको बता दूं कि हमने इस मामले को पूरी संवेदनशीलता से, पूरी जिम्मेदारी से देखा है, उनकी सारी समस्याओं का हल किया है। एकमात्र सवाल और मांग यह रह गई थी कि 2 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षा कर्मी को भी नियमित कर दिया जाए। अभी हमने वर्ष 2020-21 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है। इस बजट में यह मांग भी पूरी कर दी गई है। विधानसभा से बजट पारित होते ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इस निर्णय का ज्यादातर लाभ महिलाओं को ही मिलेगा। शिक्षित महिलाओं के रोजगार के अवसरों के बारे में सुप्रिया बहन ने जो प्रश्न किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप देखिए कि जब से हमारी सरकार आई है प्रदेश में किस तरह से रोजगार की बहार आई हुई है। पीएससी, व्यापम, विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्तियों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। शासकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं आयु सीमा में भी 10 वर्ष की विशेष छूट दी गई है। इस तरह सभी नियमों का पालन करते हुए जितने पुराने रिक्त पद थे उन सब पर भर्ती हुई है और हो रही है। नई प्रशासनिक इकाइयों, नए कार्यालयों, नए स्कूल कॉलेजों के लिए भी लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं और मुझे खुशी है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ी संख्या में बेटियां और बहनें परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हो रही हैं। जब प्रशासनिक इकाइयां बनती है तो वहां काम करने के लिए नए पद भी सृजित होते हैं। स्कूल हो या कॉलेज, शिक्षकों, प्राध्यापकों, खेल शिक्षकों आदि पदों पर लंबे अरसे से संविदा, एडहाक आदि तरीके से अस्थायी नियुक्ति की जाती थी। हमने स्थायी नियुक्ति का रास्ता अपनाया है ताकि युवाओं को हर साल रिन्यूअल की चिंता न करना पड़े कि आज तो नौकरी पर हैं, कल क्या होगा पता नहीं। ऐसी परिस्थितियों से हमने युवाओं को, बेटियों को बाहर निकाला है ताकि वे अपने भविष्य की पक्की योजना बना सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निरंतर चर्चा होती है। कहीं कोई घटना हो जाती है तो चर्चाएं जोर पकड़ने लगती हैं। आइए एक सवाल लेते हैं और उसके बाद आपसे निवेदन है कि महिलाओं और उनके अधिकारों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके संबंध में कृपया जानकारी प्रदान करें। उत्तरा विदानी नाम है सर, मैं महासमुंद से बोल रही हूँ। सर, महासमुंद में महिलाओं के लिए कोई भी महिला डेस्क नहीं है। थाने में, जिले में कहीं भी महिला डेस्क नहीं है, तो महिलाओं की सुनवाई पुरुषों के बीच में ठीक से नहीं हो पाती है। महिलाएं अपनी प्रॉब्लम ना थाने में ठीक से नहीं बता पाती हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये काम होना चाहिए महासमुंद में। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि महासमुंद जिले में हर थाने में महिला डेस्क स्थापित है। इसके अलावा 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर भी है। यदि किसी को आवश्यकता पड़े तो उन्हें तत्काल मदद मिल सकती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने हर स्तर पर कदम उठाए हैं। महिला हेल्पलाइन 181, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना, महिला जागृति शिविर, स्व आधार योजना, उज्ज्वला गृह योजना, कामकाजी महिला हॉस्टल योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना आदि सुरक्षा तथा सहयोग के लिए काम कर रही है। जहां तक थानों में महिला डेस्क स्थापित करने का सवाल है तो मैं बता दूं, प्रदेश में 374 थानों में महिला डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं और 8 जिलों में महिला विरुद्ध अपराध विवेचना इकाई भी संचालित की जा रही है। 4255 सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया गया है तथा स्थानीय स्तर पर संगठनों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे भी अपने स्तर पर सीसीटीवी कैमरा सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं। महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना के लिए 6 जिलों में IUCAW का गठन किया गया है। 4 जिलों में महिला थाना स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक विवाद या महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों के लिए महिला परामर्श केंद्र, महिला पुलिस वॉलेंटियर्स तथा बालिका आश्रम व छात्रावास में सुरक्षा हेतु
महिला होमगार्ड की तैनाती की गई है। अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए क्षतिपूर्ति राशि का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं माताओं बहनों से अपील करता हूं कि वे इस संबंध में स्वयं भी जागरूक हों और अन्य लोगों को इसके बारे में बताएं। अपने कानूनी अधिकारों और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में आपस में चर्चा करना बहुत जरूरी है, ताकि किसी संकट पर यह याद रहे कहां से क्या मदद मिल सकती है। महिला सुरक्षा के संबंध में यदि किसी का कोई सुझाव हो तो उसे बेधड़क होकर बिना संकोच किए मुझे प्रेषित कीजिए। हम पूरी प्राथमिकता से उस पर विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी अमल करेंगे। यह विषय सिर्फ एक बार चर्चा करने का नहीं है, बल्कि निरंतर सावधानी बरतने का और इसके बारे में बातचीत करते रहने का है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के जनक हैं, जिला निर्माता हैं, इसलिए आइए इस जिले से एक सवाल लेते हैं। पिंडरा से विनती बात कर रही हूँ, 4 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ मैं सर। यहाँ पे पिंडरा क्षेत्र को सबसे पहले जिला देने की सौगात दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे यहाँ सेंटोरियम हॉस्पिटल है, महिलाओं के प्रसव के लिए ही है वो प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल केस आता है तो यहाँ पे ऐसे एजुकेटेड डॉक्टर नहीं है जो इस केस को यहाँ पे ले सके, उसे तुरंत बिलासपुर या रायपुर रिफर कर दिया जाता है सर। उसके लिए चाहते थे कि कोई अच्छे डॉक्टर यहाँ पे आप नियुक्त करें, और महिलाओं के लिए जैसे यहाँ पे लाइफहुड कॉलेज की स्थापना किया सर। मुझे नए जिले की आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई, आपकी जागरूकता को सलाम, बहुत धन्यवाद विनती जी। आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया है उनके निराकरण के लिए ही तो नया जिला बनाया गया है। अब गौरेला पेंडा मरवाही को जिले के रूप में नए पंख मिल गए हैं। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ सारी प्रशासनिक सुविधाएं, सारी सेवाएं काम करने लगे। नई प्रशासनिक इकाई बनने से आपके अंचल के लिए पूरा अमला उपलब्ध होगा और जनहित की सारी सुविधाएं नए रूप में व्यवस्थित की जाएगी। आपका जिला अब मेरा जिला है, इसकी चिंता मैं स्वयं करूंगा। देखिएगा, जल्दी ही आपके जिले में बदलाव दिखाई पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आखिरी में 2 सवाल और, कृपया सुनकर इसके जवाब दीजिएगा। खेलंती सर, और भी ब्लॉक खर्रा से, समूह के महिला लोगों को बड़ा उद्योग चलाने के लिए बैंक लोन के अलावा और भी कोई फंड मिल सकता है जो कम ब्याज में है? जी मेरा नाम देवांगन है, सूरजपुर जिला ब्लॉक और भी क्लस्टर जिला ग्राम पत्नी, एक विवाहित स्त्री अगर कुछ करना चाहती है तो उसके मायके और ससुराल में तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन अदर लोगों से सपोर्ट क्यों नहीं करते? खेलंती बहन, यदि महिला समूह बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनके लिए हमारी सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दी है। हर विभाग में उन्हें प्राथमिकता और सुगमता से काम करने की सुविधा है, बहुत से नियम शिथिल किए गए हैं। आपको हमारी नई उद्योग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए, वहां आपको वह सब मिलेगा जो आपके सपने साकार कर सके। लीला बहन, मायका तो प्यारा होता ही है और हर बेटी मायके में राजकुमारी होती है, लेकिन बाकी जगह भी आपको सुगमता मिले यह तो जन चेतना का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त तेजी से बदल रहा है और बेटियां खुद अपने लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सफल हो रही हैं। मुझे विश्वास है, क्या घर क्या बाहर, हर जगह बेटियों का राज होगा। मेरी शुभकामनाएं। 2 दिन बाद होली है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, साथ ही रंगों में रंग मिलाने का, अर्थात हर इंसान के बीच समन्वय, सद्भाव और सौहार्द का त्योहार है। Thank you.
आप सबको होली की शुभकामनाएं। 20 मार्च को भक्त माता कर्मा जयंती तथा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस है। एक ओर त्याग, भक्ति और अध्यात्म का शिखर, तो दूसरी ओर पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान मातृशक्ति के इन दोनों स्वरूपों को नमन। नवरात्रि और चेटीचंद पर्व की बधाई। मैं कामना करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सबको नए संकल्प और ऊर्जा देगा। और हाँ, इन दिनों कोरोना वायरस की बहुत चर्चा है, आप डरे नहीं, बचाव के उपाय को समझें और अपनाएं। सरकार ने उपचार की पूरी तैयारी कर ली है। आप सबको पुनः शुभकामनाएं। श्रोताओं, मैं एक बार फिर ये बताना चाहता हूँ कि लोकवाणी के लिए बहुत से सवाल मिले, लेकिन समय सीमा में सभी सवालों को लेना संभव नहीं था, इसलिए कुछ प्रतिनिधि सवालों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार जानने का प्रयास किया गया। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने काफी विस्तार से अपनी बात कही है, जिससे लगभग हर सवाल का जवाब मिल गया है। और अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 12 अप्रैल 2020 को होगा। विषय होगा पानी की परवाह। इस विषय पर हमारे श्रोता अपने विचार 25, 26 और 27 मार्च 2020 के बीच रख सकेंगे। पहले की तरह ही आप दिन में 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर है 0771 के बाद 2430501, 2430502 और 2430503। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी।